हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेस्टीज के कुछ अपडेट हैं केवाईसी से रिलेटेड। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपके केवाईसी नहीं हुए हैं या फिर आपकी टीम में किसी का केवाईसी नहीं हुआ है तो आपकी आईडी वेस्टीज के थ्रू टर्मिनेट की जा सकती है, राइट? सो जल्दी से जल्दी अपने केवाईसी को कंप्लीट करें। और बहुत सारे लोग हो सकता है कंफ्यूज होता है कि केवाईसी कैसे करें। वेस्टीज का जो ऐप है वहाँ पे जा कर के आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। आप कॉर्नर पे ऊपर की तरफ कॉर्नर पे जाएंगे, आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको माई केवाईसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। माई केवाईसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सेल्फ कि केवाईसी आप यहां से कर सकते हैं, जहां पे आपका आईडी नंबर और नाम ऑलरेडी आएगा। आप किस डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपनी केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन होगा। उसमें आधार आता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट या वोटर आईडी। आप किस डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपनी केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। फिर उसके बाद में आधार कार्ड नंबर, अगर आधार कार्ड से कर रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट से आप कर रहे हैं उसका नंबर और उसका फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना है। साथ ही साथ आप यहां सेल्फ के साथ साथ अपनी खुद केवाईसी के साथ साथ अपनी डाउनलाइन की भी केवाईसी कर सकते हैं। जहां पे आप सेल्फ सिलेक्टेड है वहां पे आपको डाउनलाइन सिलेक्ट करना है। वहां पे पहला ऑप्शन ओपन हो जाएगा आईडी नंबर का, आपको आईडी नंबर डालना होगा। आईडी नंबर डाल करके जैसे वेरिफिकेशन आप करेंगे वैसे ही सेम प्रोसेस उनके साथ भी होगा। जिस भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप केवाईसी करना चाह रहे हैं केवाईसी कर सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंट नंबर डाल करके, फोटो अपलोड करके, राइट? सो ऐसे आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लें, नहीं तो आपकी आईडी वेस्टीज के थ्रू टर्मिनेट की जा सकती है। सो थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल्थ।